तो कल ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रूल पास किया है। आपने जो है कहीं ना कहीं सुना होगा, या तो व्हाट्सएप स्टेटस पर किसके देखा होगा, या फिर न्यूज़ पे जो है इस रिगार्डिंग बात सुनी होगी कि अब सभी जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होती है उन सभी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है, जिसका नाम रखा गया है CET, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब ये क्या है, कौन ये दे सकता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी इसके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है, या फिर आप जानना चाहते हो कि ये क्या है, आपको किस तरह गवर्नमेंट जॉब में मिलने में आसानी हो सकती है, तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। सारी डिटेल में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। सो हाय गाइस, मैं हूँ आदेश और आप देख रहे हैं ई फार्मेसी स्टडी यूट्यूब चैनल को। सो पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि ये डिसीजन क्या है। तो ये जो डिसीजन है बहुत सालों से जो है पेंडिंग था, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पास कर दिया है। तो इसमें होगा ऐसा कि पहले जो होता था कि अगर आप रेलवे के लिए अप्लाई कर रहे हो, रेलवे में कोई पोस्ट निकली है 10th या फिर 12th के बेसिस पर, तो उसकी आपको अलग एग्ज़ाम देनी होती थी। वही अगर बैंक में पोस्ट निकली है 10th या फिर 12th या फिर ग्रेजुएशन के बेसिस पर, उसके लिए आपको अलग एग्ज़ाम देनी पड़ती थी। दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से फ़ी भरनी पड़ती थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें SSC की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, तो वहाँ पर अगर कहीं कोई पोस्ट निकलती है तो वहाँ पर आपको जो है अलग से एक फ़ीस भर के एग्ज़ाम देनी होती थी। बट अब जो है गवर्नमेंट ने ये सब कुछ कंबाइन कर दिया है। फिलहाल के लिए जो ओनली 3 एग्ज़ाम यहाँ पर कंबाइन की गई है, यानी रेलवे की जो भी कोई वैकेंसीज निकलेगी, साथ ही साथ SSC के थ्रू जो भी कोई वैकेंसीज यहाँ पर निकलेगी, थर्ड जो है वो है बैंक। तो बैंक सेक्टर में अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो सभी के लिए जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखी गई है, उसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। तो अब ये क्या होगी, तो ये जो एक MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगी। तो ये अगर आप एक बार दे देते हो तो नेक्स्ट 3 ईयर, जो 3 मैंने यहाँ पर जो जगह बताई वहाँ पर अगर कोई भी वैकेंसीज निकलती है नेक्स्ट 3 ईयर तक, तो आप एक एग्ज़ाम देकर जो है तीनों जगह अप्लाई कर सकते हो, जहाँ आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है जॉब निकलती है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले जो है आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग से यहाँ पर फॉर्म फिल करना होता था, अलग से एग्ज़ाम देनी होती, अलग अलग सेंटर होते थे, तो अब यहाँ पर आपको एक ही एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और सेकेंड चीज़ ये है कि जो इसका सेंटर होगा, जो एग्ज़ाम का सेंटर होगा, वो होगा आपका खुद का डिस्ट्रिक्ट, यानी हर एक जितने भी इंडिया में डिस्ट्रिक्ट है, अभी जो 117 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, यानी इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर सेंटर होगा। अगर आप किसी भी गांव में रहते हो तो आपके पास वाला जो भी डिस्ट्रिक्ट हो या फिर आपका खुद का जो डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, MCQ बेस पर होगी। तो पहले जैसे मेन मेन बड़ी बड़ी सिटीज़ में ओनली आपको जाकर जो इस तरह की जॉब्स की एग्ज़ाम होती थी देनी होती थी, तो अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको जो अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट में ही जाकर एग्ज़ाम देनी होगी, यानी आपको एक ही बार फ़ी भरनी है, एक ही बार एग्ज़ाम देनी है, वो भी नेक्स्ट 3 ईयर के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो अपना जो स्कोर है वो थोड़ा और इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ, तो जो है आप फिर से भी ये एग्ज़ाम देकर अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो है सिर्फ 3 वैकेंसी, यानी जैसे मैंने बताया SSC, रेलवे और साथ ही साथ बैंकिंग में अगर कोई वैकेंसीज निकलती है तो यहाँ पर ये टेस्ट अप्लाई होने वाली है। बट आगे जाकर जो है अदर एग्ज़ाम भी जो है इसमें इंक्लूड होगी, यानी अदर जो वैकेंसीज है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होने वाले हैं। लगभग 20 वैकेंसीज अलग अलग जो फील्ड की है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होने वाली है। तो ये एग्ज़ाम सिर्फ प्री एग्ज़ाम होगी, जैसे जो है पहले अगर कोई भी वैकेंसी निकलती थी तो उसका कंप्लीट रिक्रूटमेंट होने के लिए जब तक आपको हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो उसके लिए जो है आपको 8 से 10 महीने लग जाते थे, मिनिमम 6 महीने तो लग ही जाते थे। बट अभी जो है प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जो है प्री एग्ज़ाम जो होती थी वो अलग अलग होती थी हर एक की, तो अब जो है सिर्फ एक ही प्री एग्ज़ाम होने वाली है। जो मेंस होगी वो आपको अलग से देनी होगी। सपोज़ कीजिए अगर आप एक बार CET पास हो जाते हो, अगर वैकेंसी निकलती है रेलवे में, तो आपको जो है वहाँ पर जो रेलवे की प्री एग्ज़ाम होती थी वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्ट जो मेंस एग्ज़ाम होगी वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, यानी जो CET आपने दी है वो वहाँ पर चल जाएगी करेगी एज अ प्री एग्ज़ाम। जो मेन एग्ज़ाम से पहले ली जाती थी वो एग्ज़ाम आपने जो है दे रखी होगी, जो कि CET होगी, तो डायरेक्टली आप मेन एग्ज़ाम दे सकोगे। तो यहाँ पर जो एक बड़ा टाइम स्पैन लग जाता था एक प्री एग्ज़ाम लेने के लिए, उसके बाद उसके पेपर्स चेक होते थे, फिर रिजल्ट लगता था, तो इतना बड़ा जो टाइम स्पैन था वो यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि जो प्री एग्ज़ाम है वो एक कॉमन रहने वाली है। लगभग 3 साल तक के ये जो है स्कोर वैलिड रहने वाला है। और साथ ही साथ एक अपडेट ये भी है कि आगे जाकर जो ऐसा भी हो सकता है, जो अपडेट में बताया गया है कि ये जो एग्ज़ाम है, जो CET एग्ज़ाम है, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काम कर सकती है, यानी प्राइवेट सेक्टर में भी जो इस बेसिस पर रिक्रूटमेंट हो सकते हैं। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, बट आगे जाके हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक डिसीजन है। आपको इस रिगार्डिंग क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन भी हो तो वो भी जो है आप मुझसे पूछ सकते हो। अब कौन सी एजेंसी जो है ये कंडक्ट करने वाली है, तो इसके लिए एक स्पेशल एजेंसी है, वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी NRA। NRA जो है सब कुछ इस रिगार्डिंग देखने वाली है, और NRA ही जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है।
इससे होगा ये कि जो भी कोई अलग अलग पोर्टल थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता था कि कैसे वो रिजल्ट लगा रहा है, कैसा सब कुछ प्रोसेस हो रही है, तो ये सब कुछ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होने वाला है और जो है सब कुछ 100% ऑनलाइन होगा, MCQ बेस्ड होगा, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये सब कुछ जो है नेक्स्ट ईयर यानी 2021 से जो है अप्लाई होने वाला है। तो तब तक के लिए जितनी भी एग्ज़ाम है जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, बट 2021 से जितनी भी गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की, वो होगी CET के थ्रू। बट फिलहाल के लिए जैसे मैंने बताया सिर्फ 3 ही जगह ये अप्लाई हो रहा है, बट आगे जाकर जो है हो सकता है कि और भी ज़्यादा जगह, जिस तरह गवर्नमेंट ने बोला है कि 20 जगह के लिए जो है हो सकता है। तो यही कुछ अपडेट आपको देनी थी, एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करके बता देता हूँ। देखिए सभी जो 3 मैंने बताए SSC, रेलवे और बैंकिंग, तो इनके लिए जो है CET कॉमन रहेगी। उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि 3 साल तक के आपका स्कोर वैलिड रहने वाला है। उसके बाद जो हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर सेंटर होने वाले हैं, यानी वहाँ जाकर जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ऑनलाइन MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगी। एक बार अगर आप देते हो तो 3 साल के लिए आपका स्कोर भी वैलिड रहेगा। और जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार भरनी है, यानी एक बार आप फीस भरते हो तो 3 साल तक की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। और फाइनल अपडेट ये है कि ये सिर्फ प्री एग्ज़ाम होगी, यानी प्री एग्ज़ाम जो होती थी वो ये CET रहेगी, हर एक फील्ड के लिए कॉमन। और उसके बाद जो जिस किसी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस किसी जगह की ये जॉब है, रेलवे की हो, बैंकिंग की हो, तो वहाँ पर जाकर जो आपको उसकी मेंस एग्ज़ाम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग देनी होगी। तो यही छोटी सी अपडेट थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।